Welcome guys to my first ever PUBG mobile video on YouTube. So इस वीडियो में हम जा रहे हैं सैनोक में बूट कैंप, जो कि एक बहुत अच्छा हॉट ड्रॉप है. तो चलिए, मेरे साथ खेल रहे हैं मेरा फ्रेंड अंशु और म्यूटेंट. यार म्यूटेंट ऊबे एक नंबर का मेडिक है हमारा. तो अंशु ठीक ठाक खेल लेता है, पर वो भी कभी कभी. चलिए अभी हम फिलहाल बूट कैंप पे जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग्स में उतर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक अंशु फ्रेंड जो COD अंशु नूब, ये दूसरी जगह पे उतर गया सेंटर में. अरे भाई क्या सोच के उतर रहे हो, कौन सा तुम बहुत बड़े प्रो हो कि वहाँ पे जाके सीधा तुम्हें गन मिलेगी और तुम्हें मार दो. भाई पहली बात तो एक गन नहीं मिलती, और दूसरा उतरे मेन बिल्डिंग में. ओके तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लूट की, बहुत घटिया लूट मिली, और यहाँ पे QBZ एक अच्छी सी गन मिल गई. अच्छी भी नहीं, मतलब ठीक ठाक गन मिल गई खेलने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि M4 इज़ दी बेस्ट गन. तो यहाँ से मैं अपने फ्रेंड के साथ न्यूटन के साथ लूटता इस करके लूटता गया, और यहाँ पे पेन किलर नहीं मिली मेरे को, एनर्जी ड्रिंक मिली. पेन किलर मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता. तो यहाँ पे मेरे को अंशु की कॉल आएगी, भैया चलो मैं मर गया, मेरे को बंदों ने घिर के मार दिया. तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम छुपो हम आ रहे हैं. तो यहाँ से जाते जाते मेरे साथ एक वेयर सा क्लिच हुआ. यहाँ पे देख रहे हो मैं स्कोप खोल रहा हूँ, मेरा बंदा सामने सामान उठा रहा है. अरे भाई इतना का ही सामान उठाने की तुम्हें जल्दी, अभी मर जाते फिर. तो इतनी देर में मैंने म्यूटेंट को बोला तू रैप दे, मैं देखता हूँ कवर करता हूँ. और ये बंदा पता नहीं क्या सोच के सीधा सीधा मुंह पे चढ़ा है मेरे. मैं TPP के अगेंस्ट, नो गाइस ऐसा नहीं आना चाहिए, तुम मरोगे जैसे ये मरे हैं. चलो इसको मारने के बाद हमने अपने फ्रेंड को रिवाइव कर लिया, और अब मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे थे कि ऊपर बंदे हैं, और थोड़े अपने राइट में भी बंदे हैं. तो इसके बाद मैंने देखा पीछे मुड़ के कि मेरे फ्रेंड के पास एक नेट पड़ा. मैंने उस नेट को उठाया और सीधा ऊपर चला गया. आप क्योंकि फाइट नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, अपनी वीडियो कैसे चलेगी. तो इतनी देर में मैंने बोल रहा था अपने फ्रेंड को कि सामने बंदा है, मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है. नहीं हम थोड़ी सुनेंगे, हम तो भाई मरेंगे. एक गया, अब दूसरी साइड से दूसरा जाएगा. पता नहीं भाई दोनों क्या सोच के चले गए. तो इतनी देर में भाई ये सभी मेरे को बोल रहे थे रश मार. तो मैंने एक बंदा तो मार दिया था, मैंने कहा चलो अब रश मार देते, देखते क्या बनता. तो इतनी देर मेरा फ्रेंड भी मर गया, तो रैप देने का कोई फ़ायदा नहीं. तो अंदर वो रैप कर रहा होगा, यही तो गलती करते लोग. और मैं घुस गया, मैं इसके सामने से जब ये देख रहा पीक नहीं ले रहा, मैं घुस गया अंदर सीधा, और जाते इस बंदे को मैंने उड़ा दिया. अरे भाई क्या मारा है इसने, ये तो ले गया था भाई मेरे को पूरा. और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये यह मैंने फर्स्ट एड लगाई, और फर्स्ट एड लगी ही नहीं. मैं तो फाइट लेने चला था, ये तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे भाई तूने फर्स्ट एड नहीं लगाई, क्या कर रहा है भाई. मैंने कहा भाई ये क्या सीन है भाई. हमने फटाफट फर्स्ट एड लगाई, थोड़ा इधर TPP लिया, तो यहाँ पे मैं गनगुन स्विच कर रहा था, और मैं देख रहा था, और यहाँ पे AKM के ऊपर 4x को लगाता है यार. मेरी AKM के ऊपर 4x लगा हुआ है. इतनी देर में मेरे को पता लग गया कि बंदा ऊपर है, तो मैंने कहा छोड़ो यार पहले लूट लेते हैं, अगर बम बम फेंकेगा आवाज़ तो आ ही जाएगी. तो मैंने यहाँ से TPP लिया, और उसने मेरे पे फायर किया. अरे भाई ये क्या सीन है भाई. इतनी देर में भाई वो बंदा सीधा नीचे ही आ गया, मतलब तो मैं मारूँगा भाई तेरे को, तू कौन है. तो भाई फिर हमने कहा चलो घर को, चलो लोबी में सीधा ही. इतनी देर में भाई मेरे को आवाज़ आ गई थी कि मेरे सामने वाले साइड में बंदे हैं. तो गाइस मैंने अपनी हीलिंग पूरी की, और यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा वेट सा ग्लिच हुआ कि गाइस जब मैंने
मेरे को बंदे की आवाज़ ऊपर से आ रही थी, पर वो बंदा नीचे था, कभी बाहर की आ रही थी कभी कहीं की आ रही थी। क्या आपके साथ ऐसा ग्लिच हुआ है? पहले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आके मैंने निड किया, तो मैंने सोचा बंदा आएगा, पहले बंदा नहीं आया, फिर मैंने पीक करके निड किया और निड बार आ गया मेरा, क्या फ़ायदा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि बंदे की आवाज़ तो नीचे से आ रही है, मैंने कहा एक बार पहले चेक कर जाते हैं, मैसेज क्या करेंगे अब। तो फिर मैं यहाँ से अंदर सीधा साथ वाले घर में देखने गया सबसे पहले, तो यहाँ पे कोई नहीं था, और मैंने उसके साथ वाले घर में भी देखा, कोई नहीं दिखा मेरे को। तो मैंने सोचा शायद से छत पे होगा, छत पे भी मैंने देखा थोड़ी देर, फी लिया हमने यहाँ पे। और गाइस मेरे को बंदा सामने एक वेयर हाउस में देख गया जो कि मोट था, पिस्टल चला रहा है। तो इतनी देर में मेरे को पता लग गया कि भाई बंदा नीचे है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ गए थे। तो भाई साहब फिर हम गए सीधा नीचे, ध्यान से जाएंगे ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, मरमुर गए तो वैसे भी कौन से हम ज़्यादा किल करते हैं, हम थोड़ी वो प्रेयर कोई। तो फिर मैंने यहाँ पे, मेरे को फ्रेंड बोल रहा था कि यहाँ पे नहीं है भाई, मेरे को आवाज़ आ रही है, तू नूब है, तेरे को नहीं पता लगता तो मैं क्या करूँ। ये देखो मैंने कहा नेड, तो बदले में नेड एक मेरी तरफ भी आया, ये ठीक है भाई, नेड के बदले नेड। तो फिर हमने यहाँ पे अपने हील्स पूरी की। तो गाइज यहाँ पे देखना, ये बंदा पता नहीं क्या करना, क्या चाह रहा था अपनी ज़िंदगी से, क्या चाहता था। मैं इसके सामने से इसके अंदर अपार्टमेंट में, मतलब हाउस में घुस गया और बंदे ने कुछ नहीं किया। यार ये क्या है भाई, यहाँ पे बंदा मेरे को मार सकता था। देखो गाइज देखो, मेरे को नहीं पता लगा बंदा यहाँ पे है, पता नहीं भाई बंदा क्या कर रहा था, शायद इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी रश मार दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे इतनी जल्दी अंदर आके रश नहीं मारते। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एम से 4x को टाया 2x किया, क्योंकि भाई हमसे नहीं चलता 4x। और यहाँ पे मैंने UMP की गोलियाँ और थॉमसन की गोलियाँ छोड़ी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब हम यहाँ से गए वेयर हाउस वाले को मारने। तो मैंने पहले फ्रेंड का मैसेज देखा भाई क्या मैसेज कर रहा, क्योंकि उसका माइक ऑन नहीं था। तो ये देखना है ये भाई, ये मेरे को अभी दिक्कत आ रही है, अभी नया नया मैं सीख रहा हूँ फ़ोन पे, तो मेरे को पीक एंड फायर में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बात नहीं, धीरे धीरे हम सही करेंगे इसको। आगे बोट बहुत अमीर अमीर आते थे, आज बहुत गरीब बोट आया पिस्टल वाला हमारे पास। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड कह रहा है रूम रिकॉर्ड करते हैं 1v4। अरे कहा बे, मरने का बहुत शौक है तेरे को, डर नहीं लगता तेरे को? पता नहीं गाइस मेरे फ्रेंड क्या गुंडा बनेंगे, सारे के सारे पहले जाके मर जाते हैं, लास्ट में मैं ज़िंदा रहता हूँ। तो यहाँ से भाई मैंने ड्रॉप लूटने गया मैं। तो गाइस इसके आगे अगर आपको मैं बताऊँ, कुछ वीडियो में कुछ खास नहीं है, एक अच्छा सा ग्लिच है बस, आप सीधा एंड में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ मेरी पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे को इतनी एडिटिंग आती नहीं है, तो अभी वीडियो मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता शायद कर दूँ बाद में जब तक डालूँ, मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी मेरे से, धीरे धीरे सीख रहे, होगा भाई होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर इतनी देर में मेरे को लगा यहाँ पर बंदा बन निकली बाइक, तो हमने सोचा बाइक ले कर चलते हैं, कहाँ पर जाए कहाँ पर जाए। तो फिर मैंने भाई पैसे ही बाइक निकाल ली, वैसे मैं गया पाइनान वाली साइड पे था, और वहाँ पे जाके मेरे साथ एक अच्छा सा ग्लिच हुआ जिसकी वजह से मैं मर गया। सैनो गाइस एक ऐसी जगह जहाँ पे सांप ही सांप तुम्हें मिलेंगे, सांपों के अलावा कोई नहीं मिलेगा इसमें। देखो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था और मेरा फ्रेंड कह रहा राइट में ड्रॉप, अरे भाई कितना लूटूंगा। ये देखो गाइस मैं पाइनान वाली साइड पर आ गया। तो गाइज मैं यहाँ पे चेक कर रहा था यहाँ पे कोई बंदा बुंदा तो नहीं है। ये देखिए ये हमारी स्पेशल ड्राइविंग है, ऐसी ड्राइविंग करने के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइज इतनी देर में मेरे को ऊपर से आ गई आवाज़ बंदे की, तो ये देखिए ये ऐसा भी होता है हमारे साथ। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जायरो उल्टा हो गया और मर गया।